तो सामूहिक आदर्श विवाह कार्यक्रम स्थल से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल संबोधित कर रहे थे। अब रुख करेंगे मध्य प्रदेश का, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहली बार इंस्टाग्राम पर युद्ध से रूबरू हुए। उन्होंने गाने भी गुनगुनाए। मुख्यमंत्री ने युवाओं से कहा कि लक्ष्य बनाएं और फिर उसे पाने के लिए अपने आप को झोंक दें। मुख्यमंत्री ने 20 से ज्यादा युवाओं के सवालों के जवाब दिए। इसमें उनके बचपन, रोल मॉडल, दिनचर्या, योजनाएं और भी सारे सवालों के बारे में बातें हुई। सीएम ने करीब 40 मिनट ऑनलाइन रहकर जवाब दिए हैं। मामा जी, शैलेश जो है ये पूछना चाहते हैं कि आप दिन भर बिजी रहते हैं तो फ्री टाइम में क्या करते हैं? मतलब हम तो रील्स देखते हैं इंस्टाग्राम पर, आप क्या करते हैं? तो देखो, आपने कहा कि आपको टाइम नहीं मिलता खाने का, तो फ्री टाइम बचा कहां? लेकिन फ्री टाइम मेरे पास होता है तब जब मैं बाय रोड सफर करता हूँ। रात में अगर इंदौर से भोपाल आना है तो मेरे पास 2.5 घंटे होते हैं, और इस समय का उपयोग, अगर एक तो फोन पर बात करनी पड़ती है कई बार, लेकिन सबसे बेहतर उपयोग है गाने सुनना। मैं मानसिक रूप से जब ऐसी स्थिति होती है कि थोड़ा समय मिलता है तो मैं सोचता हूँ कोई गाना सुन लिया जाए, तो मेरी गाड़ी में फिर मैं गाना सुनता हूँ। मामा जी, एक और सवाल है, ये ना बड़ा मतलब फिल्मी सवाल है। एक नायक फिल्म थी जिसमें कॉन्सेप्ट था एक दिन के सीएम, तो रौनक दुबे पूछ रहे हैं कि मामा जी मुझे एक दिन का सीएम बना दो, ऐसा उनका कहना है। लेकिन सीएम तो आप ही हैं। बेटा, बट वो फिल्म थी, लेकिन उस फिल्म से हमको सीखना ये चाहिए कि हम एक दिन में भी चीजें बेटर कैसे कर सकते हैं। हालांकि हम जानते हैं कि फिल्म और वास्तविकता में जमीन और आसमान का अंतर होता है, लेकिन सीएम बनना तो एक दिन का काय के लिए बनना, बनो तो मेहनत करो, परमानेंट सीएम बनो, कोई भी बन सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो परिश्रम करता है लक्ष्य तय करके वो लक्ष्य को प्राप्त करता है, तो बनना तो एक दिन के लिए क्या बनना, फिर राजनीतिक क्षेत्र में आओ, मेहनत करो, परिश्रम करो, आगे बढ़ो, मुझे लगता है कि एक दिन सफलता मिलेगी।